I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. So hello guys, PUBG ke ek naye video mein aap sabhi ka swagat hai. So guys, ye mera pehla video hai YouTube mein. मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे भी ऐसा वीडियो लेके आता रहूं. सो आप लोगों ने पहले क्लिप में देखा होगा, मैं ऊपर में फायर कर रहा था. मैं वो टीडीएम मैच खेल रहा था जो मैंने कार्नेटियर से ऊपर में फायर किया था. तो बड़े ही क्या बोले, पबजी के नशे ही कुछ अलग. ऊपर में जब फायर किया तो ऊपर में भी छेद हो सकते हैं. सो क्या ही पता. तो बात करते हैं इस गेम प्ले की. सो मुझे VSS मिल चुकी थी और शार्ट में शॉटगन भी थी. तो यहाँ पे मुझे हल्का सा साउंड है, कोई गाड़ी लेकर आया है. सो बाबूजी की कर रहे हो, की कर रहे हो नंगे हाथ, बाहर आए थे मुक्के से मारने. यहाँ पे मैं थोड़ा सा पगला गया था कि कहाँ है, लेकिन जब मिले तो क्या ही. सो मैंने उससे M16 ले ली. और जब मैंने और भी कोने चेक किया तो मुझे एक्सटेंडेड मैग मिल गया. तो मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करूँगा कि आप लोग प्लीज़ एक्सटेंडेड मैग का यूज़ कीजिए, क्योंकि 40 गोलियाँ आ जाती है भाई, 10 गोलियाँ एक्स्ट्रा हो जाती है. तो कभी कभी ये बहुत ही काम के होते. सो मैंने गन वगैरह रिलोड की. तो उसके बाद मैं जा ही रहा था कि दो गधे के बालक बॉट्स. सो गॉड भाई के साथ मेरा रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है, मिलने पे छोड़ता नहीं. तो मैं यहाँ पे आपको एक टिप्स, छोटा सा टिप्स देना चाहूँगा कि कभी भी कोई बॉट दिखे तो प्लीज़ अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा. मार के ऐसा कभी मार देंगे कि वो फटके ना हाथ में आ जाए. तो मैंने यहाँ पे आगे ही गाड़ी रोक दी और 3 स्टोरी से मुझे एक बंदा दिखा और सामने से एक बंदा भाग के जा रहा था. मैंने सोचा अरे भाई किल कंफर्म, लेकिन 3 स्टोरी वाला उसका स्टोरी बिगाड़ने का मन किया था. तो अभी मैंने आग बबूला हो गया था क्योंकि मेरा नाक के नीचे से उसने मेरा किल चुरा लिया. तो का ही करे हम, तुम्हें तो हम वर्ल्ड लैंग्वेज यूज़ नहीं करो यार, वरना निकल जाए. तो मैंने देखा, पोजीशन देखा, वो इस साइड से आया, दिया फिर से फटकन, लेकिन साला फिनिश ही नहीं हुआ. मैं सोचने लगा कि अरे साला फिनिश कैसे नहीं हुआ. तो मैंने एक नेट ठुक कर, मैंने सोचा था कि वो ऊपर में ही रहेगा साइड सीरियो में, तो थोड़ा सा कंकर्शन हो जाए और मैं भाग के जाऊँ अंदर. लेकिन मेरा नेट तो कभी करेक्ट होता नहीं, का ही बोले. सो मैंने अंदर गया. सो मैंने हर एक जगह पे, आप जब भी, ये और एक टिप्स है, आप जब भी कहीं पे भी घुस रहे हो प्लीज़ हर एक जगह चेक कीजिए. मैंने ऐसा बहुत बार खाई है यार. सो मैं देख के जा रहा था और देखिए कौन बैठे हैं, Level 3 हेलमेट के साथ विथ शॉटगन. लेकिन क्या करे, अंदर में खोल, मतलब खून खोल गए, खत्म हो गए. तो यहाँ से लूट गया. तो मैं आपको एक बात बोलने चाहता हूँ, ये 3x, ये वाला 3x जो हम 6x को 3x बना देते, लेकिन वो वाला नहीं, जो ये वाला 3x, आप लोग उसमें से किन किन ने कब मतलब कितनी बारी उसकी, मैं तो मिलने के साथ ही गिरा देता. तो जब मैं यहाँ आया था, VSS से एक फायर हुआ था, तो वो बंदा शायद मुझे लग रहा था बच रहा. मैंने इस तरफ देखा, भाई इतनी सारी लूट कतई गदर मची पड़ी है. तो मैं जैसे ही सामने गया, मुझे थोड़ा सा हल्का सा साउंड आया. तो मैंने थोड़ा चेक कर लिया, भाई चलो फ्री का किल तो छोड़ने वाले हैं नहीं. तो मैंने चेक किया, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, लेकिन बंदे तो भाग के कहीं और ही जा रहे थे. तो अब काफी पता है, बोलो जय श्री, कान से निकल गए धुए इनकी. सो इनको फिनिश किया, फिर से 3x का लफड़ा, लेकिन नहीं चाहिए.
सो यहाँ पे मैंने लूट वगैरह की आराम से, कोई झंझट नहीं, कोई कुछ नहीं। सो मैं जा ही रहा था वापस, तो मेरा हेल्थ भी थोड़ा सा लो हुआ था, तो मैं रिकवर करने वाला था कि वाह वाह, मतलब थोड़ा सा तो कवर का ध्यान रखा करो। तो मैं यहाँ से मूव ऑन कर गया। सो जा रहा था जा रहा था जा रहा था कि अचानक किसी की वहां में चुलबुली मची। हो क्या ही बात, बड़ा मजा आया हमें। तो मैं गया सेंट्रल की जगह पे, वहां पे अक्सर बंदे आते रहते। तो मैं जैसे ही गाड़ी को पार्क किया, बाप रे बाप, कानों के साइड से एक गाड़ी गई। मैंने उतरा, भाई आ कम से कम करते हैं फाइट नहीं, बंदे की अलग ही नशे है, बंदे को उस तरफ जाना है क्योंकि वहां ड्रॉप आने वाला है। सॉरी मैंने मैप चेक नहीं किया, ऐसे ही बता रहा, शायद वहां पे कुछ होगा। लेकिन बंदा आगे जाके रुकेगा, मैं बोल रहा हूँ आगे जाके रुकेगा। तो मुझे लगा, मैं बार बार चेक कर रहा था वापस कि शायद मिल जाए भाई। और हमेशा अपने पीछे की तरफ ध्यान रखिए बबुआ, क्योंकि अगर आप आगे की तरफ भी देखते रहेंगे तो पीछे से आके कोई मार चला। सो यहाँ पे गाड़ी लेके मैंने आगे जा, लेकिन मैंने रुका, भाई हमेशा चेक किया कर वरना मेरे जैसे बहुत ही लगेंगे। इसका अच्छा एग्जाम्पल मैं बाद में लूँगा। तो अभी पीछे से फायर हुआ है, वाह रे वाह, क्या बॉट है। नए मोबाइल की निशा अभी तक मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं पहले छोटी स्क्रीन में खेलता था, अब मिल गया बड़ा स्क्रीन ना। थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा ठीक, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। सो अच्छा ही अबे बोर्ड था, वरना तो मेरी लगने वाली थी, बहुत बुरी लगने वाली थी। तो मेरा फिर हाथ से चला गया, काही बोल सारा खपरिया तोड़ देंगे, हमारा खिल चुराओ, खपरिया फाड़ के भेजा निकाल लेंगे। सो हम मतलब मैं जा रहा था, सो दूर से मुझे एक गाड़ी दिखाई दी, मैंने रुका, शायद उस बंदे को भी मुझे दिखाई दिया, वो भी मुझे देखा होगा। लेकिन किनार से मारेंगे, साइड से मार के जाएंगे, नहीं बाबूआ नहीं छोड़ेंगे, खोल के फाड़ देंगे। तो थोड़ा देखा, तो अब इसे जैसे दूंगा, पीछे से एक सप्रेस्ड कार 98 वाला, बहुत उंगली, उसके भी उंगली तोड़ेंगे। तो पहले इसे मार लेते हैं, फिर से हेडशॉट से खत्म किया। काही बोले हमारी बात। तो वो साइड से भागता हुआ, मैं थोड़ा ड्रिंक वगैरह लगा लूं, थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ जाएंगे भाई, हम भी कम नहीं। लेकिन ये तो अलग ही माल फूक के बैठे हैं, खाए हेडशॉट बॉडी शॉट तब भी नहीं सुधरेंगे, इन्हें फिनिश होना है। इनकी गर्लफ्रेंड ने कॉल की है, स्कीम छोड़े तो इनके पास से मुझे मिल गया सप्रेसर कार 98 विद 6x। प्लीज रेस्पेक्ट ही, मुझे कार 98 इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन M24 वाह। लेकिन क्या करें, मैं यहाँ पे एक टिप देना चाहूंगा आप लोगों को, हमेशा पानी के नीचे से जाए, ऊपर से जाएंगे तो पीछे से और आगे से दोनों तरफ से मारेंगे। तो यहाँ पे पहाड़ी की तरफ से एक फायर हुआ, मैं थोड़ा सा रुका चेक करने के लिए, लेकिन कोई दिखा नहीं भाई। मैंने कार 98 से भी चेक किए, 2x स्कोप कार 98, लेकिन कोई मिला नहीं। लेकिन आपके सामने जो आने वाला है ना, तो मैं धीरे धीरे करके जाने लगा कि शायद। लेकिन जोन के बाहर से भी फायर हुआ, अरे भाई बंदे तो अलग ही नशे किए हुए हैं। सामने के ओल्ड वेसन की तरफ से भी फायर हुआ, मतलब तीन मिलके फोरसम करने की कोशिश हो रही थी। तो मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। अब क्या ही बताए, क्या ही बताए आपको।
क्या निकला है, क्या बच्चा हूँ, माँ कसम साफ बने कतई साफ। देख बोले थे ना मार के जाते हैं, जोन के बाहर थे लेकिन सुधरेंगे नहीं, मारेंगे जरूर। और एक गेम प्ले